हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज, आप सो के देखिए बीपीएससी का जो टीचर बहाली का ऑनलाइन हो रहा है, तो देखिए उसका साइट अभी भी ठीक से नहीं काम कर रहा है। दो दिन तो पूरा साइट खुला ही नहीं, और उसके बाद खुला तो किसी का ओटीपी नहीं गिरा है बहुत बार कोशिश करने के बाद, समझे। तो ये सब समस्या है, लेकिन देखिए बीपीएससी तो अपडेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी के जो अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जितना टाइम आपका सर्वर डाउन रहेगा उतना टाइम हम आपको देंगे। देखिए लिखा हुआ है कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि शुरू में कम आवेदन आ रहे थे, अब आवेदन बहुत बढ़ा है, इसलिए सर्वर पर लोड है। अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर डाउन होने के समय का नुकसान यानी जितना देर आपका जितना टाइम आपका सर्वर नुकसान रहेगा उतना क्या होगा कि उतना समय हम देंगे, उतना समय कि हम कंपनसेंट देंगे यानी उतना टाइम हम बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ बोले हैं कि निर्धारित समय तिथि पर ही क्या होगा, आपका परीक्षा लिया जाएगा, यानी आपका जो 24 जो भी है आपका 24 से 27 तक एग्ज़ाम का जो डेट है, यानी 24 25 26 27 समझे, हम उसी में एग्ज़ाम लेंगे, समझ गए। ये कहना है किनका, अतुल प्रसाद जी का। अब देखिए आवेदन का संख्या बहुत ज़्यादा भरा आपका 1 तारीख के बाद, देखिएगा 1 जुलाई के बाद बहुत स्पीड से फॉर्म भरा, समझ गए, जिससे क्या हुआ कि सर्वर क्या हो गया कि लोड नहीं ले पाया। दूसरा चीज़ क्या है कि जो नियोजित टीचर है जो छठा चरण समय बहाली हुए हैं वो लोग 5-4 ही सिर्फ क्या है फॉर्म डाले हुए हैं, समझे। दूसरा चीज़ क्या है कि परीक्षा का तिथि तो आपको बोल दिए हैं कि यहाँ पर नहीं बढ़ेगा आपका, और जो भी आप 5 दिन 6 दिन अब जितना 12 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो हो सकता है 5-6 दिन आपका बढ़ाया जा सकता है 2-3 दिन, अब जितना दिन उनके अनुसार से, लेकिन हो सके बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 दिन तो पूरा सर्वर डाउन था और अभी भी खुल रहा है, तो आपका ओटीपी किसी का नहीं गिर रहा है, किसी का गिर रहा है, समझे। तो ये सब कुछ समस्या है अभी भी, तो इसको ठीक होगा तो आपका हो सके तो आपका डेट बढ़ेगा आपका फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम का आप आगे कुछ बोलेंगे, अभी तो बोलेंगे कि क्या कि अभी डेट आपका एग्ज़ाम का निर्धारित तिथि पर ही दी जाएगी परीक्षा, समझ गए। तो ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा। तो फॉर्म जो लोग नहीं भरे हैं कोशिश कीजिए जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें, कहीं बाद में हो सके कि और सर्वर ख़राब हो जाए, समझ गए। तो कोशिश कीजिए जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, समझ गए। थैंक यू।